शिवराज जी तो थके हुए नहीं लग रहे हैं, लेकिन हमें अब थकान होने लगी है। शिवराज जी 8 से 10 सभाएं कर रहे हैं, पर हर सभा में मैं देख रहा हूं कि आपका निशाना कमलनाथ के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर रहता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, फिर इंडिया अलायंस भी उसमें आ जाता है। ऐसा लगता है कि आपकी नज़र विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव पर भी है, क्योंकि यहाँ बीजेपी हमेशा लोकसभा में अच्छा करती है। निश्चित तौर पर संपूर्ण विजय लोकसभा में हमारी होगी। ये जो इंडी अलायंस हैं, ये कोई विचारधारा के आधार पर बना हुआ गठबंधन नहीं है। मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर अलग अलग लोग जो आपस में लड़ते रहे हैं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और जान बचाने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी फिर आ गए तो छोड़ेंगे नहीं बेईमान लोगों को और भ्रष्ट लोगों को, इससे डर के इनने एक अलायंस बनाया। और शुरू में बड़ा शोर मचा था कि बन गया बन गया बन गया, लेकिन सबसे पहले कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में उसकी कब्र खोद दी। उन्हें अनाउंस की रैली कि पहली रैली भोपाल में होगी, कमलनाथ का बिल्कुल नहीं होगी, इंडी फिंडी तुम्हारा बाहर ले जाओ। इंडी अलायंस को भी कमलनाथ नहीं बनने से पहले ही बिगाड़ दिया। हालत ये है कि अलायंस के मित्रों को धोखे में रखा, अखिलेश जी से कहते रहे तुम्हें सीटें देंगे, बाद में कुछ नहीं दिया। और जब पूछा कि अखिलेश ऐसा कह रहे तो बोले अखिलेश क्या है। अब आप अपने साथियों का मजाक उड़ा रहे हो, तो ये तो इंडी जो अलायंस है वो कांग्रेस के दलदल में फंस गया और फंस के बुरी तरह से अब खत्म हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है, विधानसभा चुनाव होने दीजिए, उसके बाद देखिए लोकसभा में मिलके लड़ेंगे और एक सीट पर एक प्रत्याशी देंगे। वो कह रहे हैं अखिलेश जी कि कांग्रेस चालू पार्टी है, दगाजाबाज पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, जल्दी हो गया अच्छा है, इनसे खबरदार सावधान रहना। तो वो तो अभी से हाथ जोड़ रहे हैं, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ना विधानसभा में एक है ना लोकसभा में एक रहेंगे।